चलिए प्लीज।
राखी मैम सेंटर भाई इतना गुस्सा मत यार। वसीम भाई बाइक करो बाइट बाद में बेटा, अभी ट्रेलर देखा नहीं, बाइट अभी से कहा अनाउंसमेंट तो करने दो। मैं बीच में
Shweta is here? Alright, no worries. First of all, very big congratulations to the entire team over here. Last but not the least, can we have the lyricist of this series? Can we have Souvik Kavi? I request him to join us here. Alright, Hamari, Nishan ji and Urmila ji. Please do join us. Come on, everybody. Inke liye zordaar taali bajao, everyone. Thank you so much, girls, for joining us. It means a lot. Please do join us. Thank you so much. And big congratulations to you also. Thank you for joining in today. And I'm very sure everybody knows her. Miss Rakhi Sawant, everyone. Come on, Rakhi ji ke liye zordaar bhi aur de sakta hai. Woh hum baad mein karwayenge. Rakhi ma'am, thank you so much for joining. Also, everyone, inke saath, Bhanushali ji. Neelam Bhanushali ji. Alright everybody, get ready. Zara zordaar taali bajaye aur welcome kare over here. We have Sunil Pal ji, the famous comedian, joining us over here. Come on. Also everybody, we have an influencer amongst us, Gufu the Rider. Can we have Gufu the Rider please to join us? And we also have hamare Bollywood mein Raju ji ke liye to naam hi kaafi hai. So Raju ji, thank you so much for joining us. राजू जी डेफिनेटली श्रेष्ठ है. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग इट. मींस अ लॉट. इनका इन्हें कौन नहीं जानता वैसी बात है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस. एंड ऑलराइट एवरीबॉडी, चलिए पहले कुछ गुफ्तगु करते हैं, कुछ बातें करते हैं, बिगनिंग विद आवर प्रोड्यूसर ऑफ दिस ब्यूटिफुल अपकमिंग वेब सीरीज. यहाँ पे हम शुरुआत करिए. पहले तो हम यहाँ पे हमारे प्यारे से मनीष जी से बात करना चाहेंगे, जिनकी स्माइल बहुत ही डैशिंग है. हमारे मनीष जी के लिए जोरदार तालियां बजाए. कम ऑन एवरीबॉडी. ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, नॉट जस्ट द फाउंडर ऑफ सिने प्राइम, ही इज आल्सो द वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस सीरीज. हां कर रहा हूं, रुको. दैट इज सो इंपॉर्टेंट. आई मीन अभी आजकल के सीरीज में इतने ज्यादा फैमिली एंटरटेनर्स नहीं हो रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द फैमिली एंटरटेनर्स एवरीबॉडी. सो फुल फैमिली मिलके इसे देख सकती है. दैट इज सो कूल. अच्छा सर, anyone from you guys, one of the producers would like to answer. Ke maine suna hai ki abhi humne to main yahan pe kafi time se aake baithi hu, and we have seen the music. Humne music bahut hi maine bahut suna hai iska. Hum hamari yahan pe media aur sab audience ko bhi sunayenge. So sir, aap hame bataye ki music ke bare mein aapka kya kehna hai, uska inspiration kahan se mila hai? Actually lockdown apne aap mein ek inspiration hai. तालियां बजनी चाहिए इस बात पे. कम ऑन एवरीबॉडी. क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ देखा इस लॉकडाउन में, बहुत दुख देखे, बहुत खुशियां तो नहीं बोल सकते, पर घर के अंदर परिवार के साथ रहे वो खुशियां एक वो सब देखी. तो एक इंस्पिरेशन बोल सकते हैं कि म्यूजिक का, जो हमारे अंदर की म्यूजिक, अंदर ही होता है इंसान की म्यूजिक, तो वही से बस बोलेंगे, वही से मिला हमको. ओहो, अंदर से म्यूजिक आया है, घर के अंदर रहते रहते अंदर से म्यूजिक आया है. लेकिन है बहुत अच्छा रहा है, एंड अभी तक तो बहुत ही अच्छा रहा है, और मैं चाहूंगा इंशाल्लाह कि आगे भी अच्छा ही रहे. एंड मैं अभी राखी से ही बात करता कि जो मैंने सुना, हाँ, कि रोडीज में राखी वाज देयर इन वन ऑफ माय टास्क, शी वाज अ जज इन दैट. स्टिल इन एवरीथिंग व्हाटएवर आई डू, मेरी जो और भी मूवीज है वहां पर भी थी राखी सावंत. एंड हम BCL खेलते हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं शी इज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ माय जर्नी. सो या वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट ओनली. एंड अदरवाइज बाय गॉड ग्रेस ऑल इज गुड. एंड आई थिंक मेहनत करते हैं सब और लगे हुए हैं तो होगा ही, जरूर होगा, बस लगे रहो. थैंक यू सो मच. जरा जोरदार ताली बजाए. मुझे ऐसा लग रहा है राखी, मेरा लकी चार्म फॉर साहिल, मुझे ऐसा लग रहा है. दैट्स फॉर श्योर. ऑलराइट साहिल, यू आल्सो, आई मीन बिफोर वी गो टू द अदर आर्टिस्ट, आप मुझे ये भी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस और कुछ कैरेक्टर के बारे में बताइए ना, कि क्या
थैंक यू सो मच, इतनी ब्यूटीफुल आप लग रही है, सो हमारे कैमरा को कैप्चर तो करना ही चाहिए. ऑलराइट सो वेदिका, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस सीरीज. यू टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद योर को-स्टार्स एंड समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर. आप भी मचल रही है शादी करने के लिए कि क्या हो रहा है? Of course, मैं भी दुल्हन बनी हूँ, so I guess हर लड़की को I think everyone wants to get married, उनका सपना होता है अच्छे से धूमधाम से शादी करे, so I guess शिल्पी भी वैसे ही है. एंड बहुत मजा आया, आई थिंक हम सबको शूट करने में काफी फन सीक्वेंसेस थे, सो आई गेस सबको देखने में भी बहुत मजा आने वाला है, तो आई एम एक्साइटेड कि सब लोग देखें और एंजॉय करें. Absolutely. Thank you so much. I'd like you to pass the mic to Imran. Imran, हमने बहुत कुछ देखे हैं आप ये ट्रेलर में. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई नो एवरीबॉडी यहाँ पे सब सोच रहे होंगे ये कितना बोल रही है, लेकिन अब तक हमें ट्रेलर प्रोमो और सॉन्ग्स नहीं दिखाए, लेकिन जब हम देखेंगे तब पता चलेगा. राखी मैम, यू ऑल्सो व्हेन यू सी इट तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या कह रही हूँ. सो इमरान, ओ हो इमरान, ये कैप्चर करना है गाइज, यू बेटर कैप्चर दैट एक्सप्रेशन. इमरान, हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वेब सीरीज एंड योर कैरेक्टर्स? और आपका कैरेक्टर क्या है? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, और मेरे दोस्त की शादी हो रही होती है, स्टार्टिंग में हम खुश होते हैं, बट जब हम आगे जाते हैं तो फिर चेंज हो जाती है सब चीज़. नहीं नहीं, चेंज नहीं होती है, आप चांस पे डांस मारते हैं. हाँ, कुछ ऐसा. उसके बाद ऐसा हो जाता है कि मेरे दोस्त की शादी हो ना हो, मुझे भी मतलब मेरा काम हो चुका है गाइस. मैंने मेन राज बता दिया है कि क्या होने वाला है. दिस इज द मेन थिंग एक्चुअली. सो वेरी राखी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. ओ एंड सुनील जी, व्हेन सुनील पाल जी, सुनील पाल जी को जरा सर, कैन यू प्लीज पास द माइक टू सुनील जी. सुनील जी, मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन वो देंगे सुनील. मैं इसीलिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैंने कुछ नहीं लिखा है. इट्स ऑन. मेरा सही इंट्रोडक्शन सुनील जी. इंसान तो इंसान, माइक भी बंद हो जाता है राखी के सामने. क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ एक तरफ राखी, दूसरी तरफ बाकी सारी लड़कियां इसके सामने काकी. प्रोग्राम के बाद इतनी बड़ी ओटीटी है तो शायद भरेगी सबकी टाकी. ये तो सिर्फ झांकी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और जिस ओटीटी प्लेटफॉर्म की शुरुआत राखी जी के हाजिरी से हो रही है, उनके नाम से और उनकी वजह से हो रही है, शुरुआत से हो रही है, मैं समझता हूँ कि उसको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता. क्योंकि मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ लोग एक ही प्रश्न पूछते हैं, राखी साहब को जानते हो क्या, वो कैसी है? मतलब मैं समझा नहीं, मतलब बाय नेचर कैसी है? तो मैं कहता हूँ भाई देखो, वो एक कलाकार के रूप में जो आपके सामने आती हैं वो एक अलग बात है, एज ए पर्सन मैंने उनसे अच्छा कोई देखा नहीं आज तक. जो अपने परिवार से प्यार करती है, अपने दोस्त यारों से प्यार करती है, और हर दोस्त के लिए खड़ी रहती है, हर दोस्त के लिए. हमने एक फिल्म बनाई थी वी के बॉस, ओटी अपना यूट्यूब पे होगी और ओटीटी पर भी है. वी के बॉस में मेरी बॉस बनी है ये, और उस फिल्म में इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था. मैंने कहा था कि आप मुझे बताइए, बोले नहीं तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए खड़ी रहूंगी. तो राखी जोड़ी को अभी आदिल साहब आपके लिए एक शेर कह रहे थे, तो वो शेर सुना दूं. खिले फूलों में तुम्हें गुलशन की तरह देखा है, वाह वाह वावा, खिले फूलों में. देखो वो जो वावा नहीं कर रहा है उसके सपने में मायावती आएगी, क्योंकि वो हमारी बहन जी है और मेरे अपने भाई का नुकसान नहीं चाहेगी वो. खिले फूलों में तुम्हें गुलशन की तरह देखा है, बरसी में सावन की तरह देखा है, हर ख्वाब में, हर जिंदगी के राहों में सजे हैं हजारों ख्वाब, हर ख्वाब में राखी तुम्हें ही इन्होंने दुल्हन की तरह देखा है. क्योंकि राखी साहब के स्वयं में कई लोग गए थे, उसमें एहसान कुरैशी भी गए थे हमारे मुंडी मास्टर. राखी बनोज की क्या मेरे भतीजों की काकी, तू शराब मैं साकी, बस दुआ चाहिए तेरी माँ की. राखी ने कहा माँ उस तरफ, माँ मुझ पर एक एहसान करना, मेरे लिए ये एहसान मत करना. जावेद अख्तर साहब भी चले गए थे, हालांकि बोल नहीं पाए ठीक से,
लेकिन पहुंच गए थे पेरी के, जहाँ तक मेरी मालूमात है। नहीं कहा गया जबान दे रहा हूँ मैं इस बात पे, और सही चीजों तो जावेद मियां दांत देगा, गलत चीजों तो जावेद मियां डांट देगा, तो घर में ना जब वो शबाना दुल्हन बन के दबाना। तो इस तरह से हमारी राखी जी जो है बहुत अच्छे से प्रोग्राम करती है और सब, और ये इस ओटीटी की शुरुआत के लिए नाम भी बहुत अच्छा लगा मुझे, सिने प्राइम। हाँ, सिने प्राइम, और प्रोग्राम का नाम भी तो जैसे आपको पता ही है। देखिए क्या, जैसे इन्होंने कहा कि इरोटिक चीजें बहुत हो गई, अभी फिल्म का नाम ही गाली गलौज। आप सोचोगे यार इस फिल्म में राखी, तुम सोचोगे इसमें गाली गलौज होगी, नहीं, ये गाली गलौज के खिलाफ फिल्म है। मेरा ऐसा मानना है कि एंटरटेनमेंट मतलब होना चाहिए बर्फी, नहीं होना चाहिए उर्फी। समझ गया सर? थैंक यू सो मच सुनील सर। क्यों थैंक यू, तुम्हारे तुमने एक घंटे से बकवास की, हम सुन रहे थे ना। अब इस पे एक शेयर करूंगा, आप इस पे शेयर करूंगा, शेयर ये बिल्कुल रिकॉर्डिंग, इस पे एक शेयर करूंगा मैं। ये एक बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, एंडिंग मत कीजिएगा, एंडिंग मत, बड़ी फुर्सत से तुझे रब ने बनाया है, यही बोल बोल के तुझे सब ने बनाया है, और ये जुल्फे है तुम्हारी, ये रेशम का जाल जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। वैसे मजाक की बात नहीं है, ये एंकर बहुत, अब देखिए कि इन्होंने मेरी बहुत तारीफ की, तो मैं भी एक लाइन बोल के माइक दे दूंगा, क्योंकि जब माइक हमारे हाथ में आता, आपको पता है लॉकडाउन में काम ही नहीं था, उल्टा घर पे थे, और लॉकडाउन पे ही फिल्म आई है। लॉकडाउन में तो सोचे कि मतलब बीवी की बातें सुननी पड़ रही थी, हमको सुनाने की आदत है, हमें सुनना पड़ रहा था, हर रोज हाथ धोना पड़ रहा था 20-20 सेकंड में, और कोरोना की वजह से आज 2 साल के बाद नहाया हूं मैं, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग सब नेक काम करने जा रहे हैं। तो इस एंकर साहब के लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा इसका खुद का मानना है। थैंक यू सो मच सर। पर आप हमें माने लगे, क्योंकि लड़की एंकरिंग की दुनिया में बहुत मशहूर है, बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? सो जैसे भी आपका नाम है, एक दिन बहुत नाम होगा, क्योंकि आप बहुत बढ़िया OTT प्लेटफॉर्म से जुड़ी है, और इतना बढ़िया OTT प्लेटफॉर्म है, पहली बार मैं थिएटर में देख रहा हूँ, इससे पहले मैंने कोई बिल्कुल देखा नहीं। सो ऑल द बेस्ट, टेक रेस्ट, दोबारा मुझे माइक मत देना। सो राखी जी, मेरी अभी अगली फिल्म में भी मुझे राखी जी का सपोर्ट चाहिए। दिनेश जी, हाँ, फोटो बढ़िया बढ़िया, नहीं थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत तारीफ करने के लिए धन्यवाद। और मनीष जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगी, साहिर, इमरान, वेदिका, सबको। इमरान, तुम्हारा अभी तक लॉकडाउन अभी भी नहीं खुला है, लॉक डाल के आयो गले में, दिखा कि ये ताला क्यों मारा है। लग गया। कंग्रेचुलेशन मनीष जी को, हमारे सिने प्राइम आपका जो OTT चैनल है, थैंक यू सो मच कि आपने एक OTT चैनल बनाया, और जितने भी बॉलीवुड में कलाकार है उनको आप चांस दे रहे हो, वेब सीरीज बना रहे हो, इतने कुट कुट के कलाकार भरे हुए, इतने सारे आर्टिस्टों को काम देना वेब सीरीज में, मैं बहुत बहुत शुक्रिया दा और धन्यवाद कहती हूँ कि ऐसे ही ढेर सारी ऐसी वेब सीरीज आती रहे, OTT प्लेटफॉर्म और खुलते रहे, सारे बॉलीवुड कलाकार जो कहाँ कहाँ से हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, सबको काम मिले, और हर कोई अपनी किस्मत आजमाए, हर कोई शाहरुख, सलमान, आमिर, जितने भी बड़े स्टार है, वो अक्षय, सब बने। और डेफिनेटली मैं साहिल को बहुत ही, इमरान, आप लोगों को, पूरी टीम को, एल लग गए जो है लॉकडाउन में, एल लग गए मतलब लॉकडाउन लग गए लॉकडाउन में, तो सभी के लग ही गए थे, सबके लग गए थे कि नहीं? एब्सोल्युटली मां, तो मुबारक हो, एंड आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। ऑडिटी नाम सुनते ही ऐसा लगता है अरे भाई क्या होगा, बट आई मस्ट टेल यू दैट कि ये एल लग गए, आप लोग फैमिली के साथ बैठ कर ये वेब सीरीज आप देख सकते हैं, बहुत जोरदार तालियां। मैं भी इतनी सारी वेब सीरीज कर रही हूँ, अभी मैं भी आ गई, पहले बहुत सिलेक्टेड हूँ कि करना कि नहीं करना, बिकॉज सिलेक्टेड ऐसा कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, लेकिन अभी आजकल बहुत अच्छे अच्छे वेब सीरीज बन रही है, थैंक्स के अभी बहुत सारे जो गाली गलौज और बहुत सारे सीन्स है वो भी अभी स्टॉप कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, तो अभी जैसे जिनको जैसे मैं बड़ी स्क्रीन में, टेलीविजन पे, OTT में, हर जगह मैं काम कर रही हूँ, और कलाकारों के लिए कितने प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, पहले इतना स्ट्रगल करते थे हमारे कलाकार,
बड़ी फिल्मों के लिए, टेलीविजन के लिए, रियलिटी शो के लिए. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू जनता, थैंक्स टू मनीष जी जैसे हजारों प्रोड्यूसर्स जिन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म खोला है. सारे कलाकारों को काम मिल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं. हमारे देश की जनता जो है घर में बैठ के अच्छे अच्छे वेब सीरीज देख रही है, फोन पे, हर जगह. जब टेलीविजन, पहले तो टेलीविजन पे ही बैठे रहते थे, लेकिन अभी मतलब ऐसा हो गया है कि फोन पे ही आप ओटीटी प्लेटफॉर्म, मतलब हर वेब सीरीज, हर चीज देख सकते हैं. मतलब इस टाइम, इस बार काम बहुत आसान हो गया है. तो थैंक्स टू गॉड सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी और जनता को कहना चाहूंगी कि प्लीज सभी जनता, आप सब लोग जो है सिने प्राइम को डाउनलोड करें और इस वेब सीरीज को देखें. इट्स अ फिल्म और वेब सीरीज? वेब सीरीज. इट्स अ वेब सीरीज, अ फिल्म. इस वेब सीरीज को देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है. हम सबको मिलके सिने प्राइम को आगे बढ़ाना है. सो आप लोग अपनी बीवी की, गर्लफ्रेंड की कसम खा के मुझसे वादा कीजिए अभी कि आप सब लोग डाउनलोड करेंगे. करेंगे कि नहीं? आप से लिखी. अच्छा, पड़ोसी की बीवी की कसम खा लो भैया. थैंक यू सो मच. देखो हाथ कितने ऊपर हो गए. थैंक यू सो मच राखी जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. जितने भी ग्रुप डायरेक्टर साहब, कंग्रेचुलेशन. राजू जी, थैंक यू. जितने भी आर्टिस्ट है जिसका भी नाम नहीं लिया, आई एम सो सॉरी. प्रोड्यूसर, सब लोग, सबको बहुत बहुत मुबारक हो. धन्यवाद. थैंक यू सो मच राखी जी. इससे पहले कि हम यहाँ पे, आदिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? यस मनीष, यू लाइक टू से समथिंग? ऑलराइट आदिल जी, ये मौका नहीं छोड़ सकते. गाइस, आई होप योर कैमरास आर वर्किंग. गाइस, पहली बार आदिल कुछ बोल रहे हैं. एब्सोल्युटली. हेलो गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. थैंक यू मनीष सर फॉर हैविंग मी हियर, नजमा फॉर इनवाइटिंग मी. मैं ये कहना चाहूंगा